नमस्कार। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, जहां झारखंड में जेएमएम को बड़ा झटका लग सकता है। बीजेपी में चंपाई सोरेन शामिल हो सकते हैं। चंपाई के साथ 6 विधायक है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है। चमरा लिंडा, लोबिन हेम्ब्रम जेएमएम से नाराज चल रहे हैं। वहीं दशरथ गागराई, सुखराम उरांव भी नाराज हैं। बीजेपी नेताओं से सभी की मुलाकात संभव मानी जा रही है। 3 बजे दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मुलाकात संभव है। कुल्हान टाइगर के नाम से चंपाई सोरेन जाने जाते हैं। कुल्हान में चंपाई सोरेन का खासा प्रभाव है। बीजेपी को कुल्हान में चेहरा मिल सकता है। इसके साथ साथ बता दें कि बीजेपी में चंपाई बड़ा चेहरा बन सकते हैं। परिवारवाद को लेकर के बीजेपी हमलावर बनेगी। आपको बता दें कि 17 अगस्त को चंपाई सोरेन का वो बयान सामने आया था, और उस बयान को हम आपको सुनाएंगे, जिससे उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हुई थी। अरे लोबिंदा से क्या बातचीत हुई? वो ऐसे आया था, हमसे भेंट किया। हाँ। मुलाकात हुई, क्या बोला? वो तो कहे कि वो बीजेपी में जा रहे हैं, उन्होंने तो कह दिया है। उस हमसे बात नहीं किया, जो पहले से हम लोग का बात होते रहता था वही बात हुआ है। हमसे कोई ऐसा बात नहीं किया। तो देखिए, जो बयान भी सामने आते रहे, और जाहिर सी बात है कि कहा जाता है कि सियासत में संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं, सिम्टम्स आने जो हैं वो शुरू हो जाते हैं, और कुछ ऐसा ही चंपाई सोरेन के साथ भी हुआ। चाहे जब वो कैमरे के सामने आए, चाहे वो उनकी मुस्कुराहट कभी कभी बताती हो, या फिर जब बयान उनके सामने आते हो, जब उनसे बीजेपी में जाने की अटकलों पर सवाल हो, या फिर जेएमएम से नाराजगी की बात पर सवाल पूछा जाता, और जैसा उनका जवाब आता उसी तरीके से चर्चाएं, संभावनाओं का जो दौर था वो शुरू हो गया कि क्या बीजेपी के साथ रिश्ते जो हैं वो मजबूत हो रहे हैं चंपाई सोरेन के, क्या दूरियां जो है वो बढ़ रही है जेएमएम से। और इन सब के बीच अब इस पूरी तस्वीर से पर्दा उठता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 3 बजे माना जा रहा है कि जो दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेता हैं उनसे मुलाकात चंपाई सोरेन की होगी। और साथ साथ ये भी एक बड़ी खबर है और एक बड़ा झटका है एनडीए अलायंस के लिए, जेएमएम के लिए, कि उनके साथ एक दो नहीं बल्कि 6 विधायक उनके साथ है, जो माना जा रहा है कि वो बीजेपी का हिस्सा अब बन जाएंगे। और खास करके कुल्हान की अगर बात करें, कुल्हान टाइगर के नाम से जाने जाते हैं, और कुल्हान की 14 सीटें जो हैं उन सीटों पर अपना दबदबा सीएम, पूर्व सीएम चंपाई सोरेन रखते हैं। तो ऐसे में एक जेएमएम के लिए एक बड़ा खतरा भी। और समीर मोहंती हमारे साथ बहरागोरा विधायक जुड़ गए हैं। समीर मोहंती जी, जिस तरीके से चंपाई सोरेन और चंपाई सोरेन के साथ साथ और भी साथी विधायक जब लग रहा है कि बीजेपी का दामन थाम लेंगे, आपकी भी क्या नाराजगी जेएमएम से रही, और क्या अभी माना जाए कि ये जो 6 के करीब विधायक है वो एक साथ जा रहे हैं सीएम, पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के साथ बीजेपी में? देखिए, किसी का बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। वर्तमान हम अपने विधानसभा के चकुलिया प्रखंड के हमारे ऑफिस में बैठे हैं। हम लोगों का काम क्यों लेके हम बैठते हैं? आप अगर वीडियो कॉलिंग करिएगा तो आपको हम हुलिया दिखा भी देंगे। और जहाँ तक बात है, हम झारखंड मुक्ति मोर्चा में है और झारखंड मुक्ति मोर्चा में ही रहेंगे। तो क्या आपका मन नहीं है बीजेपी की तरफ जाने का चंपाई सोरेन के साथ? बीजेपी में जाने का कभी सपना भी नहीं देखे। चंपाई दा अच्छे इंसान है, हम उनको जरूर सम्मान करते हैं, लेकिन बीजेपी में जाने का कोई सवाल ही नहीं। लेकिन चंपाई सोरेन बीजेपी के साथ जा रहे हैं, उनको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, चंपाई दा देखिए अच्छे इंसान है, हम बार बार बोल रहे हैं, अच्छा क्षेत्र में भी उनका लोकप्रियता है, लेकिन उनके साथ हमारा बातचीत हुआ है कई बार, लेकिन पार्टी में कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, नहीं कर रहे, इसके बारे में ना हम कभी उनको पूछे हैं, ना कभी वो हमको बोले हैं। हमको कोई उसके बारे में जानकारी नहीं है। चलिए ठीक है समीर मोहंती जी। और दशरथ गागराई भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। दशरथ गागराई जी, आपको लेकर भी चर्चा है कि आप चंपाई सोरेन के साथ हैं, बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मेरी पहला स्लोगन रहेगी, आधी रोटी खाएंगे, विष्णु गुरु शिबू सोरेन का नाम को हम नीचे होने नहीं देंगे। दूसरी बात है, दो चार दिनों से अभी अखबार में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर में चल रही है कि खरसवां के विधायक दशरथ गागराई भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे।
तो जो लोग हमको पार्टी ज्वाइन करवाएंगे उन लोग 100 करोड़ रुपया लेके, कितना करोड़, हेलो कितना करोड़, 100 करोड़ सुन रहे हैं, 100 करोड़ रुपया लेकर के उन लोग वीर शहीद केशव मुंडा चौक खरसवां पर आएंगे। हम खरसवां विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को, आम जनताओं को और मेरी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को हम बुलाएंगे और वहां पर पूछेंगे हमारे खरसवां विधानसभा क्षेत्र के मतदाता जनता और मेरी कार्यकर्ताओं को कि ये लोग 100 करोड़ रुपया लेके आया है और हमको बोल रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़िए खरसवां से। तो हमारे विधानसभा क्षेत्र के जनता मतदाता कार्यकर्ता अगर बोलेंगे कि नहीं ये पैसा हम लोग को लेना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़नी चाहिए, तो हम 100 करोड़ रुपया लेंगे और भारतीय जनता पार्टी से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और अगर कार्यकर्ता बोलेगी कि 2014 में खरसवां विधानसभा क्षेत्र के मतदाता और जनता जो इस राज्य के कद्दावर नेता और 4 बार खरसवां से विधायक जीतने वाले, 4 बार के मंत्री पद पर सुशोभित रहने वाले, 1 बार कल्याण मंत्री के रूप में और 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में सुशोभित करने वाले राज्य के कद्दावर नेता अर्जुन मुंडा को हराया है और आपको विधायक बनाया है, तो ऐसे स्थिति में हम लोग भूखे प्यासे रहेंगे और 2024 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इन लोग निर्णय लेता है कि नहीं हम लोग पैसा नहीं लेंगे और हम लोग भूखे प्यासे रह करके ही चुनाव फिर से लड़ेंगे, तो पैसा हम लोग नहीं लेंगे। हम जनता के विश्वास पर 2014 में विधायक बने हैं। खरसवां विधानसभा क्षेत्र के जनता मतदाता मेरी दल के कार्यकर्ता का प्यार इतने हमें मिलते रही है, आगे भी मिलेगी। खरसवां विधानसभा क्षेत्र के जनता मतदाता और मेरी कार्यकर्ता जो निर्णय लेगा उस निर्णय के पक्ष में हम खरा उतरेंगे। दशरथ जी, चंपाई सोरेन से कोई बातचीत नहीं हुई कि बीजेपी में चला जाए? नहीं, चंपाई सोरेन साहब से तो बराबर बात होते रहती है, क्योंकि कोल्हान के हमारे गार्जियन हैं, हमारे दल के कोल्हान के प्रभारी हैं, पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष हैं और वर्तमान झारखंड सरकार में मंत्री भी हैं, इसलिए हमेशा फोन से बातचीत होती है। काम के सिलसिले पर हो, संगठन के मामले पर हो, ये तो चर्चा बात होते रहती है। बीजेपी में जाने को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई? अगर वो बीजेपी में जा रहे हैं तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, क्योंकि कोल्हान में हमारे चंपायदा सबसे सीनियर हैं, वरीय हैं, हमारे अभिभावक हैं और बीजेपी में जाना ये हम नहीं कह सकते हैं। अच्छा, चंपायदा अगर कहें कि चलिए बीजेपी में चलते हैं तो आप शामिल होंगे बीजेपी में? बीजेपी में चंपायदा अगर कहें कि चलिए चलते हैं बीजेपी में, ये आने वाला समय में क्या होगा नहीं होगा ये हम नहीं कह सकते हैं, पर जिस प्रकार का बयान पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी का भी आया था ना कि हम कुतुब मीनार से कूद जाएंगे। बिल्कुल, आप कह रहे हैं दशरथ जी कि आने वाले समय में क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन क्या लग रहा है कि आपके बारे में पूछ रहे हैं तो आपका मन ऐसा हो सकता है या फिर हो रहा है? नहीं जाएंगे तो ये सब बोलना जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको अपना बयान बता रहा हूँ। आप तो कह रहे हैं 100 करोड़ की बात कर रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि कुछ भी संभव हो सकता है, मन तो लग रहा है कि आपका भी है। आजीवन हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का शिष्य हैं, बिसुम गुरु शिबू सोरेन का हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग मरते दम तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए काम करेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहेंगे। चुनाव लड़ना झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ करके हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, और अगर ऐसे सोच आएगी तो मेरे लिए बहुत बड़ी पाप होगी।
चलिए दशरथ गागराई जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, दो विधायकों से भी हमने फोन पर बातचीत की। दशरथ गागराई जो खरसावा से जेएमएम के विधायक है, और इसके साथ साथ समीर मोहंती से भी बातचीत हुई। और इन दोनों विधायकों का कहना है कि अभी हम कहीं जाने वाले नहीं है और इस मसले पर कोई बातचीत हमारी नहीं हुई है, हम जेएमएम के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर लगातार सामने आ रही है, और जाहिर सी बात है कि जब चर्चाएं होती हैं और जब कहीं धुआं उठता है तो आग जरूर लगी होती है, इसलिए हम इन चर्चा संभावनाओं पर बात भी करते हैं। और देखिए, इस बीच खबर है कि जनता के फैसले के साथ रहूंगा, और दशरथ गागराई ने कहा कि चंपाई दा मेरे अभिभावक है, जेएमएम छोड़ने का कोई भी सवाल ही नहीं उठता है। तो ये बयान सामने आया है और न्यूज 18 से बातचीत में इन्होंने कही है। और देखिए, इस बीच सरायकेला से एक बड़ी खबर सामने आ गई। चंपाई के घर से जेएमएम का जो झंडा है वो हट चुका है, और इस झंडा हटने के साथ कई संकेत अब सामने आ चुके हैं। जिलिंगोड़ा में चंपाई का घर जो है वो खाली है, पूरे गांव से जेएमएम का जो झंडा है वो हटा दिया गया है, यानी कि जेएमएम सब रिश्ता टूटता हुआ नजर आ रहा है। गांव के घर में परिवार के लोग मौजूद बताए जा रहे हैं। देर रात चंपाई पर्सनल कार से निकले हैं, आज दिल्ली पहुंचने वाले हैं, ड्राइवर के साथ कोलकाता के लिए पहले निकले और कोलकाता से दिल्ली के लिए रवानगी चंपाई सुरेन की हुई है। और चंपाई के घर की अगर बात करें तो वहां से जो हालात समझ में आ रहा है वो ये कि जेएमएम का जो झंडा है वो हटा दिया गया है। जिलिंगोड़ा में चंपाई का घर खाली है, हालांकि बताइए जा रहे हैं कि कुछ लोग वहां पर मौजूद है, और पूरे गांव से, सिर्फ घर से नहीं बल्कि पूरे गांव से जेएमएम का झंडा हटा दिया गया है, और गांव के घर में परिवार के लोग जो हैं वो मौजूद है। यानी कि झंडा हटाने का साफ मतलब ये हुआ कि अब कोई रिश्ता हमारा जेएमएम के साथ नहीं है, यानी कि अब बीजेपी के साथ साफ तौर पर जाते हुए चंपाई सुरेन अब नजर आ रहे हैं, यानी कि अब पूरी तरीके से ये तस्वीर साफ हो चुकी है कि पूर्व सीएम चंपाई सुरेन अब बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। तो देखिए, सरायकेला से ये इस बीच खबर आती है, एक तरफ खबर आती है कि दिल्ली के लिए रवानगी हुई है चंपाई सुरेन की, 3 बजे का वक्त होगा जब बीजेपी नेताओं से मुलाकात होगी, और साथ ही साथ खबर यह भी है कि उनके साथ कुछ विधायकों की संख्या बल भी है जो बीजेपी के साथ जा सकती है। हालांकि दो विधायकों से हमने बातचीत की, उनका यह कहना है कि अब जेएमएम के साथ मजबूती से खड़े हैं। वहीं सरायकेला से एक तस्वीर निकल करके सामने आती है, वहां ग्राउंड से जो खबर सामने आती है कि झंडे हटा दिए गए हैं, यानी कि जेएमएम से रिश्ते टूट चुके हैं, ये अब साफ हो चुका है। झारखंड में कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा चुनाव है, मगर आपको बता दूं कि झारखंड में लगातार राजनीतिक उबाल बढ़ता जा रहा है, और तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं जहां मैं मौजूद हूं अभी, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के आवास पर मौजूद हूं। ये सरायकेला के झिलीगोड़ा गांव है उनका, जो चंपई सोरेन का ये आवास है, यहीं पर चंपई सोरेन रहते हैं। हालांकि लगातार जो बातें सामने चल आ रही थी कि चंपई सोरेन कुछ विधायकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे, और इस खबर को लगातार जो है वो आग की तरह झारखंड में फैल रही थी, और तमाम राजनीतिक नेताओं के बयान भी आ रहे थे, मगर इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दूं कि कल देर शाम चंपई सोरेन अपने पूरे रांची से जब वो अपने गाँव सरायकेला के लिए रवाना हुए थे, तो इसी झिलीगोड़ा गाँव में शाम को देर रात यहाँ पहुंचे थे। हालांकि उनसे भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनके 3 आवास है, एक कदमा जमशेदपुर के कदमा स्थित उनका आवास है जहां पर उनका काफिला का 2 गाड़ी खड़ा था, और यहां भी सुबह काफिला की गाड़ी खड़ी थी, 4th तैनात थे, बॉडीगार्ड उनके तैनात थे, और अचानक से खबर आती है कि रात 2 बजे उनके जो प्राइवेट मुन्ना जो है उनका चालक है, उनका फोन स्विच ऑफ जा रहा है, उनके साथ वो कलकत्ता के लिए रवाना हुए हैं, और कलकत्ता से वो दिल्ली पहुंचेंगे। हालांकि ये खबर जो है वो काफी झारखंड में अभी तेजी से फैल रही है, मगर तस्वीर में दिखा रहा हूं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के नेता है और उनके तमाम घरों में और ये गलियों में आप देख सकते हैं कि जेएमएम का जो झंडा होता था वो पूरे आवास में इनका झंडा लगा रहता था। आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक झंडा जो है जेएमएम का। और देखिए, संजीव सरदार हमारे साथ मिले जुड़े हैं। संजीव जी, जिस तरीके से अब खबर सामने आ रही है कि जेएमएम के कई सारे विधायक जो बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं, और तस्वीरें भी निकल करके अब सामने आ चुकी है कि कैसे चंपाई सुरेन का जो आवास है वहां से जेएमएम का झंडा हटा दिया जा चुका है, किस तरीके से सियासी उठापटक को देख रहे हैं, आपका क्या स्टैंड है? देखिए, बात यह है, हमको तो दूसरों का कुछ पता नहीं है, हम तो अपना विधानसभा क्षेत्र में हर रोज जो सुबह से लेकर 10-11 बजे तक जनता का भी जनता दरबार लगाते हैं, वहीं पे बैठे हुए हैं, ठीक है, अभी हत्ता में।
और वर जो है हम झारखंड मुक्ति मोर्चा में हैं और यही पार्टी में हैं, अभी भी हैं इस क्षेत्र में। लेकिन संजीव सरदार जी, कई जेएमएम के विधायक जिनको लेकर के खबर ये है कि वो अब पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के साथ हैं, और चंपाई सोरेन का भी स्टैंड अप साफ नजर आ चुका है कि वो जेएमएम के साथ अब आगे रहने वाले नहीं है, झंडे हट चुके हैं, रिश्ते अब जो है वो जुड़ते हुए बीजेपी से नजर आ रहे हैं। नहीं नहीं, बात हम दूसरा का हम नहीं कर रहे, मैं अपना बात खुद कर रहा हूँ, मैं अपने बात को आपको कह रहा हूँ, ठीक है। मैं हमको आज पहचान झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिया है। आज इससे पहले आज एक बार 2014 में हमको टिकट दे के विधानसभा का नेतृत्व करने का मौका दिया, तो उस समय हमने प्रयास किया था, लेकिन संगठन प्रयास का बहुत कम अंतराल से हम लोग हार चुके हैं। फिर दोबारा हारने के बाद भी 2019 में हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा के गुरुजी और हेमंत जी हमको विश्वास किया जी, वो देने के बाद हम लोग फिर चुन के आए। उस परिस्थिति में संजीव जी, आप अपनी बात कह रहे हैं कि मैं अपना बात कर रहा हूँ, लेकिन क्या अब चंपाई सोरेन पराये हो गए हैं, कुछ उनके बारे में भी बात कहेंगे, कुछ बोलेंगे? उसे कैसे कह पाएंगे आप, कैसे कह पाइएगा? अभी तो कोई पुष्टि, आधिकारिक कुछ पुष्टि नहीं है कि हैं कहाँ हैं नहीं हैं, या उसका उनका बयान नहीं आया, आप कैसे कहें हम? ठीक है संजीव जी, अपनी बात रखने के लिए तो लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक का वक्त, जल्द वापस आते हैं।